हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पिता एंड वेलकम टू माय चैनल मेकअप आर्टिस्ट अर्पिता दास। आज मैं आप लोगों के लिए एक रेमेडी ले आई हूं जो कि बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। दरअसल प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, आई थिंक सबके साथ होती है कि नहीं मैं ये श्योर नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ नहीं होती है, बट ऐसी प्रॉब्लम बहुत ही आम प्रॉब्लम है और बहुतों के साथ होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय के ऊपर एक ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों की थोड़ी छोटी सी हेल्प की जाए, क्योंकि मेरी नज़र में ये छोटी है लेकिन आपकी नज़र में बहुत बड़ी हो सकती है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस समस्या से कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है लेकिन कुछ भी उसे हल नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। जी, पहले मैं आपको बता दूं आज का वीडियो किसके ऊपर है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ब्लैक हेड्स के ऊपर। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, ये दोनों जो होते हैं ना, काफ़ी परेशान करते हैं काफ़ी लोगों को। आप देखोगे, आप बाहर निकलोगे, मैक्सिमम लोगों को आप देखोगे उनसे मिल रहे हो, उनके नोज़ के ऊपर ये वाली एरिया में, कभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कभी चिन पे ब्लैक हेड्स या फिर व्हाइट हेड्स। ये बहुत गंदे लगते हैं, भद्दे लगते हैं, एक्चुअली उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। स्पेशली लेडीज़ को अगर हो तो वो जब मेकअप करती है तो मेकअप भी एकदम फ्लॉलेस नहीं आता है, कैसा बम्पी बम्पी उभरा उभरा सा हो रहता है। तो ब्लैक हेड्स भी एक कारण होता है आपके लुक्स को डैमेज करने का, और साथ ही साथ अजीब लगता है ये। बेसिकली आप जानते ही होंगे मेरे से ज़्यादा अच्छा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इसका इलाज कैसे करें? हमने तो बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं लेकिन ये ठीक से जाती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं होता क्या है, ब्लैक हेड्स काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे कारणों से होते हैं, लेकिन आपको चेक करना है कि आपको कौन से विशेष कारण की वजह से ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग होते हैं हेयर्स में तेल लगाना बहुत पसंद करते हैं, नाइट में तेल लगा के रखते हैं। उससे क्या होता है, जो हेयर ऑयल होता है वो आके अपने सीधा यहाँ से फेस पे और नोज पे आ जाता है। हेयर ऑयल सिर्फ हेयर्स के लिए होते हैं, हमारे फेस के लिए नहीं होता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हेयर ऑयल को फेस पे बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। और ये अगर आप तेल लगाते भी हो तो मैं बोलना चाहूँगी 2 से 3 घंटे रखिए, एनफ, उसके बाद वॉश कर दीजिए। अब दूसरी जो चीज़ होती है हमारी लाइफस्टाइल, काफ़ी वक्त ऐसी लाइफस्टाइल होती है हमारी जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेट होता है, जो नोज़ के यहाँ पे जो होता है बेसिकली सेबम होता है, तो क्या होता है वो ऑयल सिक्रेट होता है, वो ठीक से सिक्रेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जमना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको छेड़खानी करते रहते हैं, तो छेड़खानी तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और तीसरी जो चीज़ है, क्या आपने कभी अपना चेकअप कराया है? ये मैं लेडीज़ से बोल रही हूँ, आपको हो सकता है आपको PCOS या फिर PCOD ये सारी प्रॉब्लम है, जिनको ये प्रॉब्लम भी होती है उनको भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉमन होती है ऐसे लेडीज़ में। तो आप एक बार काइंडली चेकअप करा लीजिए, ये कुछ विशेष प्रॉब्लम्स होती है जो होती रहती है, जिनके कारण मैंने आपको कारण बताए कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्यों होते हैं। अब जो लास्ट कारण मैं आपको बताऊंगी तो वो ये है कि काफ़ी वक्त हम कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका ऑयल हमारे फेस को सूट नहीं कर रहा, या फिर उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव ऑयल है जिसके कारण हमारे नोज़ में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जा रहे हैं, जिसका रिएक्शन होता है, तो ये भी एक कारण होता है। और काफ़ी वक्त हमारे हार्मोनल सिक्रेशन के वजह से भी होता है ये, जब बहुत ज़्यादा हार्मोनल सिक्रेशन होता है तब भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होना आम बात है। लेकिन आज मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी सबसे अच्छी, चलिए मैं आपको एक मुंह जुबानी कहते हैं ना, मुंह जुबानी एक रेमेडी बता देती हूँ। आप नीम का पत्ता, अगर आपको नीम बहुत अच्छा सूट करता हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने सुना है काफ़ियों के केसेस में नीम के पत्ते लगाने से उनके फेस में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैं आपको कहूँगी नीम का पत्ता और तुलसी का पत्ता सेम क्वांटिटी में लीजिए और उनको पीस के अच्छे से पेस्ट बना के अपने नोज़ पे लगा लीजिए, जहाँ जहाँ आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम आ रही है, और देन उस जैसे वो 10 to 15 मिनट्स के बाद उसे अच्छे से रब करके उतार दीजिए। ये चीज़ आप 3 दिन कीजिए हफ्ते में, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इससे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ, दूसरा प्रोसेस दिखा रही हूँ, मेरे पास आपके लिए हमेशा नुस्खे हैं, तो चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने नोज़ को ना थोड़ा सा स्टीम दे देना है। अब स्टीम कैसे देना है, आप कोई भी कॉटन हो या कॉटन के कपड़े हो उसको हॉट वाटर में थोड़ा सा डिप कीजिए, उसके बाद अपने नोज़ एरिया को इस तरीके से स्टीम दे दीजिए, क्लीन कर लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। तो इस तरीके का मैंने एक हैंकी लिया है और इसमें मैंने हॉट वाटर में डिप किया है, उसके बाद मैं अपने नोज़ पे इस तरीके से स्टीम दे रही हूँ, ठीक है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, आप अपना पूरा फेस अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा उसके बाद, यानी फेस वॉश कर लीजिएगा उसके बाद इस एरिया को इस तरीके से स्टीम दीजिए। इससे क्या होता है, यहाँ सॉफ्ट हो जाती है, ये ब्लैक हेड्स या हो या वाइट हेड्स हो, ये सॉफ्ट हो जाती है।
जैसे आप देख सकते हो अब हो गया है, अब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है वो क्रीम। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये क्रीम हमें बनाना कैसा है, कैसे सबसे बनाना पहले है मैंने यहाँ पे दिखाना कॉर्नफ्लावर चाहोगे? ले लिया है। चलो मैं यहाँ पे देखिए। कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ 2 स्पून, और आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा बना के रख सकते हो, बट वो कोई वैल्यूएबल नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी थोड़ी सी चाहिए, ज़रा सी, ज़्यादा सी नहीं। अब इसमें मैं मिलाने वाली हूँ पानी। पानी को मिला के मैं अच्छे से 1 स्पून से थोड़ा सा घुमा लूँगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसमें। अच्छे से मिला लिया है मैंने पानी में इसको। अब मैं इसे जा रही हूँ हीट देने। तो मैंने इसे ओवन में बिठा दिया है, इसे मैं हीट देना है। इसे इतना घोलना है ताकि ये थोड़ा स्टिकी हो जाए। स्टिकी हो जाएगा उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हो मैं इसे घुमा रही हूँ, और इसकी कंसिस्टेंसी जब तक थोड़ी थिक ना हो जाए तब तक आप गैस ओवन को बंद मत कीजिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और कलर दोनों चेंज हो गए हैं। और अब मैं इसे बंद करने वाली हूँ गैस को, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। और इसी को हम अपने नोज़ पे अप्लाई करेंगे, इस क्रीम को। आपको जहाँ जहाँ फोरहेड हो या चिक हो या चिन हो, जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इस मास्क को रिमूव कर सकते हो। ये बेसिकली एक पील ऑफ मास्क है। इस मास्क को रिमूव करके आप देखोगे बहुत ही आपके जो वो छोटे छोटे जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं वो अचानक से एकदम फटाक से निकल आते हैं। बहुत ही अच्छा है और इफ़ेक्टिव है ये। घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 10 से 15 मिनट लगता है इसको सूखने में। अगर आप फ़ैन के सामने में बैठोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे सुखा के आती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो अभी देख सकते हो आप ये ऑलमोस्ट सूख गया है साइड से। आपको क्या करना है, इस तरीके से, अगर आपके नेल्स हैं तो बहुत अच्छा है, इस तरीके से इसे हटाना है। जैसे पील ऑफ मार्क्स होता है ना, सेम। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरे उतने ब्लैक हेड्स और या वाइट हेड्स की समस्या है नहीं। कैसा पकोड़े जैसा दिख रहा है? नहीं, नेल्स होने से ज़्यादा थोड़ा हल्का सा गीला रह गया अभी भी, यहाँ पे था मेरा। लेकिन पूरा एकदम अच्छे से जब सूख जाएगा ना, इसे आपको इस तरीके से खींचने से ही निकल आएगा। जब ये पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद ऐसे खींच के निकालिएगा, एकदम निकल आएगा। और जो अभी ब्लैक आप हेड्स देख और वाइट सकते हो हेड्स होते मैंने हैं हटा उसे दिया। बाय द वे हाँ मुझे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आप भी इसी तरीके से कर सकते हो घर में, और देखिए कैसे काम करता है ये। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।